कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने एक चिकित्सक पर जबरिया बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट दर्ज न होने के चलते पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही वह पीड़िता है जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता थाना कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है जिसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि 13 सितंबर के दिन शमशान घाट रोड निवासी डॉक्टर दीपक साहब के पुत्र महिपाल सिंह, जो कि नगला पजावा पर दुकान किराए पर लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, उसने उसके पिता को गाड़ी में बिठाकर एटा ले गया और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके पिता के स्टाम्प पर दस्तखत कराए और शादी का झांसा देकर उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो उसके पिता को मार देंगे। 12 अक्टूबर के दिन शाम को फिर आया और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर ले गया। शमशान घाट रोड पर सुनसान जगह उसने फिर पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसे मारपीट कर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायती पत्र दिया, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो परेशान पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और यहां उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग की है। शिकायत करने आप आए हो, क्या मामला है, पूरे किस मामले की शिकायत करने आए थे? आज आप एसपी साहब के यहाँ शिकायत करने आए थे, क्या घटना हुई थी पूरी और किस मामले शिकायत करने आए? कल शाम के टाइम झगड़ा हुआ, झगड़ा क्या हुआ, गाड़ी में जबरदस्ती ले जा रहा था, मुझे खींच के ले निशान दिए मेरे गले में। कौन लेके जा रहा था खींच के, क्या है? दीपक शास्त्र। कौन है ये? बिछवा के शायद रहता है, मेरे किराए पे दुकान लिए हुआ। क्या करता है? डॉक्टर है। फिर क्या हुआ पूरी बात? ले गया बाहर जबरदस्ती की मेरे साथ, गलत काम करने की, और कल हमने तहरीर भी ये की, वहाँ सुनवाई नहीं हुई कोतवाली में, मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं वो जेल भी नहीं भेज रहे हैं पुलिस। हाँ, फिर आज कप्तान साहब के आए हो आप, अब क्या कहा उन्होंने, आपने मुलाकात की उनसे? बोलने की आपकी सलाह से आए, झूठ बोल रही है वो, ऐसे बातें करते हैं, पहले हम कार्रवाई कर रहे हैं, जाओ घर पे, कल से बंद है वो जेल भी नहीं आ रहे हैं, खाने भी बंद है लेकिन जेल नहीं गया, अब क्या चाहते हो आप? वो जेल जाए। अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया कार्रवाई का? घर जाओ, फिर हम करें कार्रवाई, कल से कोई कार्रवाई नहीं, कल से वो तो बंद है ना। बस हम मर जाएंगे अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? वैसे उसके साथ जितना भी हो उतना गलत ही है, वो गलत है बहुत, इंसान कुछ बोल ही नहीं सकते। कौन है ये दीपक पास? क्या करते हैं ये? ये हमारी दुकान में क्लिनिक खुले हुए दवाई देता है। कहाँ की घटना है ये? नंगला पजावा। अच्छा, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने पुलिस पकड़ के ले गई है, लेकिन मुकदमा नहीं चला रही है। अच्छा, अभी तक जेल नहीं भेजा? जेल नहीं भेजा।